सॉरी। जब भगवान ने आंखें दी है तो उसका इस्तेमाल भी कर लिया करो। सॉरी बोला ना मैंने, बात खत्म करो। इतनी अकड़ किस बात की है तुम्हें? देखो मैं लेट हो रहा हूँ, तुम अपना काम करो। हाँ दिख रहा है कुछ ज्यादा ही जल्दी में हो। अबे यार मैं लोकेशन पर आ गया हूँ लेकिन मुझे सोसाइटी नहीं मिल रही है। आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं बता दूँ? एक मिनट रुक, एक्चुअली मुझे T9 में जाना है। हाँ वो मेरी सोसाइटी है, आई मीन मैं वहीं रहती हूँ। तो क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ सकती हो? ठीक है चलो। वेट, मेरी कार खड़ी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो उससे चलने। चलो। ये है T9। वैसे तुम यहाँ रहते हो? नहीं वो एक्चुअली क्या है, मैं आज ही शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ पर, हो रहा हूँ मतलब। हाँ एंड थैंक्स यहाँ छोड़ने के लिए और उन सब के लिए, मतलब वो सब जो भी हुआ था सॉरी। इट्स ओके। सुरभि वर ओके, मैं चलता हूँ एंड थैंक्स बाय। देख मैं उसके टावर के अंदर पहुंच चुका हूँ, बस मुझे इतना बता दे कि वो अपनी फैमिली के साथ रहती है या सेपरेट। जहां तक मुझे पता है सेपरेट, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन वो 3 हफ्ते के लिए अपने होम टाउन गई है। क्या? देख तुझे जो भी करना है वही करना होगा लेकिन बहुत समझदारी से, ठीक है? मुझे उसका होम टाउन बता। मेरी बात सुन वरुण। मैंने बोला मुझे उसका होम टाउन बता। वरुण पागल मत बन, मैं भी जानता हूँ तेरे दिल पे क्या बीत रही है, लेकिन इस बार दिमाग की नहीं दिल की सुन। क्या आप रेडी हो बहुत सारे पैसे विन करने के लिए? तो आप मुझे ज्वाइन करो और मार्केट में बहुत सारे बेहतरीन गेम्स हैं, उन्हें एक्सप्लोर करो। अपनी सीट की पेटी बांध लो क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं गेम टूर, वो भी एविएटर के साथ, जो परी मैच में सबसे पसंदीदा गेम में से एक है। यह वर्ल्ड का नंबर 1 गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर टॉप सेलिब्रिटी और करोड़ों खिलाड़ी इसमें भरोसा करते हैं। एविएटर के रूल्स बहुत ही आसान है, आपको प्लेन उड़ाने से पहले पैसे निकालने होते हैं। आइए ट्राई करते हैं। वो देखा, यहाँ पर जीतना बहुत ही ज्यादा आसान है, ये बहुत एंटरटेनिंग और प्रॉफिटेबल है। परी मैच के पास 5000 से भी ज्यादा गेम्स है लेकिन सबसे फेवरेट मेरा एविएटर है। लेकिन मुझे जेडएक्स, अंदरबार, द फ्रूट्स और क्रिकेट एक्स भी पसंद है। इस दौरान विजेट का उपयोग करें, यह पूरा एक्साइटमेंट और मजे से भरा हुआ है, मैं तो इसे खुद रिलैक्स फील होने के लिए खेलता हूँ। और जब बात आए सही गेमिंग प्रोवाइडर चुनने की, तो मेरा फेवरेट सबसे ऊपर परी मैच है। यूज फ्रेंडली होने के साथ साथ ये 100% सेफ है। साइन अप करो सिर्फ कुछ अच्छे क्लिक्स में, यहाँ आपको अच्छे गेम्स का कलेक्शन मिलता है और 24/7 कस्टमर सपोर्ट मिलता है, फास्टर विड्रॉल मिलता है और गाइस मेरा फेवरेट वेलकम बोनस, 1,00,000 रुपए का वेलकम बोनस मिलता है। तो गाइस मैंने आपको परी मैच में शामिल होकर एविएटर खेलने के लिए मना लिया है, मुझे लगता है कि आपकी भी हाँ है। ज्वाइन करो, मजे करो और परी मैच के साथ अपना प्रॉफिट डबल करो। हाय। हेलो। तुम लास्ट टाइम कब हंसे थे? मतलब तुम्हारा मुंह हमेशा ऐसा क्यों बना रहता है? मतलब ऐसे? ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा तुम यही रहते हो क्या? मैंने पहले तुम्हें कभी देखा नहीं। मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं कल ही शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ पर। ओह हाँ सॉरी मैं भूल गई थी। देखो मुझे मेरा काम करने दो, आप अपना काम करो, मैं यहाँ पर किसी से दोस्ती बनाने नहीं आया हूँ। कितना एटीट्यूड है इस बंदे में। ओ हेलो, तुम्हें लगता तुम्हारे में कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड है? देखो क्या है कि मेरा मूड ना थोड़ा सा खराब है तो इस सब के लिए सॉरी। अच्छा गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई है? नहीं। फिर सुरभि मैंने आपको बोला ना कि मुझे मेरा काम करने दो, आप अपना काम करो, मैं लेट हो रहा हूँ। कुछ तो प्रॉब्लम है इस बंदे के साथ, पता लगाना पड़ेगा। मैं उसके फ्लैट के बाहर ही खड़ा हूँ,
यहाँ पर तो कोई नहीं है। वो 10 दिनों के लिए ना अपने घर गई हुई है, उसके एग्जाम है, तो टेंशन ना ले, वो 10 दिनों में आ जाएगी। चल ठीक है। अच्छा तो मुझे स्टॉक कर रहे हो यार, तेरी प्रॉब्लम क्या है? यार मैं ना किसी को दुखी देखती हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे लगता है कि इससे पूछ लो कोई प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तुम बता कर तो देखो, क्या पता तुम्हारा दिल हल्का हो जाए। और यहाँ क्या करने आए हो तुम, किसी से मिलने आए हो क्या? हाँ, ऊपर ना मेरे दोस्त की बहन रहती है, वो ना घर से भाग गई है, तो मैं उसी को देखने आया था। अच्छा, कोई फोटो है उसकी तुम्हारे पास? नहीं है। नाम नाम पता होगा? अब ये मत बोलना कि तुम्हें नाम भी नहीं पता उसका। वर्षा। वर्षा, वेट, ये है क्या? हाँ ये है। अच्छा ये तो अपने घर गई है, इसके आई थिंक एग्जाम्स चल रहे हैं। सुरभि पर्सनल मैटर है, छोड़ो। अरे मेरी बात हुई है इससे एक दो बार? बोल दिया पर्सनल मैटर है, छोड़ो। तुम्हें नंबर दूँ इसका? थैंक यू। अरे यार आजकल लड़कों में इतना एटीट्यूड आ कहाँ से रहा है? अरे भाई कहाँ बिजी रहता है आजकल, ये तो बता। अरे भैया मैं तो सो जाता हूँ। अच्छा जी, लेकिन तू तो व्हाट्सएप पे 2-2 बजे तक ऑनलाइन रहता है, इतना बता व्हाट्सएप कॉलिंग किससे करने लग गया है? हाँ भैया वो ये वो तो ये सब छोड़, इतना बता कितना टाइम हुआ है? 6 महीने। क्या बात कर रहा है, लेकिन तुझे इतना पता है कि तेरे एग्जाम भी आ रहे हैं? हाँ भैया उस पर तो मेरा पूरा ध्यान है। अच्छा मेरी बात सुन। हाँ मैं फोटो भेज दूंगा आपको। चल ठीक है, ध्यान रखियो अपना, बाय। हाय। अभी फ्री हो? क्यों? अरे हो तो बताओ ना। हाँ फ्री हो। हाँ तो अब नीचे आओ। लेकिन कहाँ? अरे आओ तो। वेट, आया। हाँ आ जाओ। यार मना नहीं करा इसने, चलो दिल का तो अच्छा ही होगा शायद। अच्छा तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मम्मी पापा नहीं है, बस एक कजन है। ओ अच्छा। तुम्हारा कौन है फैमिली में? भाई आप ना मुझे अपना मानते ही नहीं, अगर आप मुझे फैमिली मानते ना तो मुझसे मिलने आते। यार सुमित मैं काम में फंसा हुआ हूँ, तू टेंशन ना ले मैं जल्दी आऊंगा। रहने दो भाई आप ना बस झूठ बोलते हो। तू ये सब बात छोड़, तूने अभी तक मेरे को फोटो क्यों नहीं भेजी? नहीं भेजूंगा, जब आप मुझे अपना मानते हैं तो फोटो क्यों भेजूं? ओए सुन, तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा फैमिली, तू मेरी जिंदगी, तू मेरा सब कुछ है, ठीक है? आज के बाद ये बात मत करियो। वरुण, वरुण। हाँ क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, मेरी फैमिली में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। अरे ऐसे नहीं बोलते कि अकेले हो, मैं हूँ ना। क्या मतलब? अरे मतलब कि तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकते हो। आंखी सहरा मेरी ये तो है भीगा एक बादल, मेरी ख्वाहिशों में तू, तेरे लिए मैं पागल। ओ तू है बहती नदी, डूबा डूबा मैं साहिल, मैं हूँ तुझ में फना, तू ही मेरा है हासिल। जब से तू सनम तेरी
बाहों में है एक उजाला सा दिल की पनाहों में है। जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी जिंदगी। जब से तुम हो मिले जानो दिल है खिले, तुमसे वाबस्ता है हर खुशी। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। तुमसे है नशा, तुमसे है खुमार, तुमको ही सजाया मैंने ख्वाबों में। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है। मैं इतने दिनों से यहाँ पर रुका हूँ, तुझे क्या मैं पागल लगता हूँ कि मैं इतने दिन यहाँ पर रुक के उसका इंतजार करूंगा? देख देख मेरे भाई, मेरी बात सुन, वो दो दिन में आ जाएगी, तो बस अपना दिमाग थोड़ा सा शांत रखो। दो दिन? अगर वो दो दिन में नहीं आई तो मुझे भी नहीं पता कि मैं अब आगे क्या करूंगा, और इस बात को हल्के में मत लियो। अरे मेरे भाई मेरी बात सुन, अपने दिमाग को थोड़ा सा ना शांत रख। तो दो दिन नहीं और रुक सकता क्या? हेलो वरुण। हाँ अब जरा बिल्डिंग के नीचे आना। क्या हुआ? अरे आओ ना नीचे, फिर बताती हूँ। वेट, मैं आया। हाँ सुरभि। वरुण, वो आई लव यू। क्या? आई लव यू। आई थिंक सुरभि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ वरुण, तुम बस मुझे ये बताओ डू यू लव मी और नॉट। सुरभि आई थिंक तुम नॉर्मल नहीं हो। से यस और नो। सुरभि मेरी बात, अरे मुझे बताओ ना हाँ या ना, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? यस और नो। यस।
मकसद भी? तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ना कोई कॉल, ना कोई प्यार भरा मैसेज, ऐसे होता है क्या रिलेशन? अरे नहीं बाबा, बस वो थोड़ा सा बिजी था। आई नो कि दुनिया का सारा काम आपके पास है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम रिजर्व करती हूँ ना मैं। अच्छा अच्छा बाबा रिलैक्स, इतना बताओ मैं तुमसे अभी मिलने आ जाऊँ? सच्ची? हाँ मैं आ जाऊंगा। हाँ तो आ जाओ। चल ठीक है, मैं अभी आता हूँ। सुनहानिये जिंद जानिये सौ बार जन्म लूं तो भी हमदम हर दफा चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? वैसे मैं ये कह रहा हूँ, हम रात में मूवी भी देखने चल सकते हैं। चलते हैं फिर, है ना? एक मिनट। हेलो भाई, कहाँ पर है तू? बाहर था। सुन, एक प्रॉब्लम हो गई है। मैं एक मिनट में आऊँ, कॉल है ना? हाँ बोल। एक फोटो भेजी है मैंने तेरे को। फिर क्या करूँ? वर्षा सुमित की दोस्त थी। मतलब ये कि जो फोटो मैंने तेरे को अभी भेजी है ना, वो सुमित की गर्लफ्रेंड थी। एक मिनट, फोन पे रहो। सुन, कल आ रहा हूँ मैं। और हाँ, अपनी वाली को बोल दियो, स्पेशली उससे मिलने आ रहा हूँ मैं भी तो देखूँ मेरे भाई की पसंद कौन है, जो उसने अभी तक मेरे को फोटो नहीं भेजी। भैया क्या मैं आपको वीडियो कॉल कर सकता हूँ? क्या हुआ सुमित, सब कुछ ठीक है? रुक जा, मैं तेरे को वीडियो कॉल करता हूँ। क्या हुआ सुमित, सब कुछ ठीक है? अबे पागल, तू रो क्यों रहा है? सुमित भैया सब खत्म हो गया। सुमित क्या हुआ है मुझे बता एक बार। देख जो भी कहना है साफ साफ बोल। तो सुन, मेरा और गौरव का ना सब कुछ सेट, वो अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड है और मैं उसका खुश हूँ, तो प्लीज तू अपना देख ले। कितने महीने हो गए? 4 महीने। और कुछ? यार देख, अगर तुझे मेरी किसी बात का बुरा लगा है तो I'm sorry, लेकिन प्लीज ऐसा मत कर। यार देख, I know कि तू बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन प्यार से दुनिया नहीं चलती, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाँ, तो प्लीज अपने फोन से मेरी सारी फोटोज डिलीट कर दियो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू उन्हें देख कर बाद में कभी रोए। देख सुमित, मेरी बात सुन, मैं आ रहा हूँ तेरे पास, ठीक है? मैं आज ही आ रहा हूँ तेरे पास। भैया सब खत्म हो गया। I love you. बदला ने मी पाया।
पायो ही दिन ना आए। क्या हो गया ये वरुण को कब आएगा? फोन करती हूँ। फोन भी नहीं उठा रहे। बस तू मुझे इतना बता दे, जो तू बोल रहा है सच है? भाई मैं अपनी माँ की कसम खा के बोल रहा हूँ, इस बार जो लड़की की फोटो मैंने भेजी है वो एकदम सही है। वरुण कहाँ चले गए थे यार तुम? सुरभि तुम सुमित शर्मा को जानती हो? सुमित शर्मा ये कौन है? नहीं जानते? नहीं। मैं दिखाता हूँ, शायद तुम जान जो। ये कौन है? मैं नहीं जानती। ये मेरा छोटा भाई है सुमित शर्मा। तुम दोनों रिलेशन में थे ना? वरुण हाँ या ना? हाँ। मेरी जिंदगी में मेरा सब कुछ मेरा छोटा भाई था। तुमने उसकी जिंदगी में आकर सब कुछ खत्म कर दिया। उसने मेरी आंखों के सामने सुसाइड कर लिया। वरुण एक बार प्लीज बैठ के बात करते हैं। क्या हुआ तुम्हारे? तो गौरव के साथ कुछ चल रहा था ना, तो तुम दोनों अलग कैसे हो गए? वरुण वरुण आई रियली लव यू। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ मुझसे गलती हुई थी, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ वरुण। मुझे इतना बता कि तूने मेरे भाई को धोखा दिया? वरुण सुनो। हाँ या ना? हाँ। हो जीता इंतजार सी, आज रबायो ही दिन आया है। तुझसे प्यार था लेकिन मेरे भाई से बढ़कर। पड़ा मौत से पाला मेरा, हो पड़ा मौत से पाला मेरा। या आज मैं रहूंगा या सामने वाला मेरा, हो यूं ही रोने नहीं दूंगा, हो यूं ही रोने नहीं दूंगा। मैं जब तक जिंदा तुझे कुछ होने